हेलो गर्ल्स, आपका पीरियोडिक टेस्ट आने वाला है। उसके लिए बेटा 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन होगा आपका ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स का। और फोर्थ क्वेश्चन होगा वन वर्ड आंसर। तो बेटा हमारे लेसन 1 और लेसन 2 कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको उसी में से आपको आएंगे क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स। तो शैल वी स्टार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें नंबर 1 है द। आप मेरे साथ साथ रीड भी कीजिए तभी आपको रीड कर पाएंगे। बी ए वी वाई बेबीज, सिस्टर्स एस आई एस टी आर सिस्टर, विल डब्ल्यू आई डबल एल विल। तो वो क्या करती है बेबी सिस्टर? सिंग अ लुलाबा। एक गाना होता है जिससे बच्चा गाना सुनकर सो जाता है, जैसे हमारी मम्मी लोरी सुनाती है, दादी लोरी सुनाती है। ये नंबर 2 है द बेबीज, बी ए बी वाई बेबीज, सिस्टर एस आई एस टी आर सिस्टर, ई सिटिंग एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग। बेबी सिस्टर कहाँ सिट करती है? नियर एन ई आर नियर, टी एच ई द बी ए बी वाई बेबी, नियर द बेबी। फिर नेक्स्ट वन है वेयर इज द बेबी लाइन, बेबी बी ए बी वाई बेबी लाइन, लाइन यानी वो कहाँ लेटी हुई थी? कोट में, सी ओ टी कोट, कोट मतलब उसका जो झूला होता है उसमें बेबी लेटी हुई थी। एन ई एच ए नेहास हाउस, एच ओ यू एस ई हाउस, आई एस ईज कॉल्ड सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड, नेहास हाउस इज कॉल्ड आनंद भवन ए एन ए डी आनंद भवन बी एच ए डब्ल्यू ए एन भवन। नेक्स्ट वन है एन ई एच ए नेहास मदर एम ओ टी एच ई आर ई मदर आई एस ईज अ, नेहा की मदर कौन थी? डॉक्टर डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर। डॉक्टर को हमको ये जो सही है उनको हमको राइट का निशान लगाना है। डब्ल्यू एच ओ हु लव्स एल ओ वी एस लव्स गार्डनिंग जी ए आर डी ई एन आई एन जी गार्डनिंग। बगीचे में काम करना किसको पसंद था? तो लिखेंगे किसको राइट का निशान लगाएंगे? नेहास एन ई एच ए नेहास ग्रैंड फादर जी आर ए एन डी ग्रैंड फादर एफ ए टी एच आर ई फादर। नेहा के दादाजी को गार्डन में काम करना अच्छा लगता था। फिर नेहास फादर हु इज किटी, डब्ल्यू एच ओ हु आई एस ईज किटी के आई टी टी वाई किटी। तो किटी कौन थी? किटी थी एच ओ यू एस ई हाउस केट। तो जो सही है हमने उसको निशान लगाना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कुछ वर्ड्स ऊपर लिखे होंगे, आपको उसे फील करना है। तो नंबर 1 में बेबी लाइंग इन अ कोट, बेबी कहाँ लाई करती है, कहाँ सोती है? कोट में, सी ओ टी कोट। किटी इज अ, किटी किसका नाम था? हाउस कैट का, एच ओ यू एस ई हाउस सी ए टी कैट, हाउस कैट। फिर नेक्स्ट वन है राज इज नेहास ग्रैंड फादर, राज किसका नाम था? नेहा के दादाजी का। तो ये जो अंडरलाइन की है वो आप ऊपर से देखकर लिखेंगे। फिर रूही कौन थी? नेहा की मदर एम ओ टी एच आर ई मदर, रूही किसका नाम था? नेहा की मदर का। फिर आरव किसका नाम था? नेहा के ब्रदर का, बी आर ओ टी एच आर ई ब्रदर। सुधा कौन थी? सुधा नेहा की दादी जी, ग्रैंड मदर जी आर एन डी ग्रैंड मदर एम ओ टी एच आर ई मदर। फिर विनोद कौन है? नेहा के फादर, नेहा के फादर का नाम क्या है? विनोद। तो बेटा ये आपके ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। फिर ट्रू और फॉल्स भी आपका 5 नंबर का है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सही लगे तो आपको ट्रू लिखना है और गलत लगे तो आपको फॉल्स लिखना है। तो नंबर 1 है नेहा
लीव इन शिमला. नेहा कहाँ रहती है? शिमला में. तो आप इसको ट्रू. द बेबी सिस्टर इज सिटिंग इन अनदर रूम. बेबी की जो सिस्टर थी वो दूसरे रूम में बैठी थी क्या? नहीं. आप इसको समझेंगे तो अपने आप से बहुत अच्छे से कर पाएंगे. वो फॉल्स है. फिर इज नेहाज मदर डॉक्टर. नेहा की मदर डॉक्टर है क्या? हाँ, नेहा की मदर डॉक्टर है, इसलिए हम उसको ट्रू लिखेंगे. फिर इज सुमित नेहाज फादर. नेहा के पापा का नाम सुमित है क्या? नहीं. आप उसको फॉल्स लिखेंगे. इज कैट नेम मिकी. कैट का नाम मिकी था क्या? नहीं. कैट का नाम तो क्या था? किटी. तो मिकी नहीं है, इसलिए हम इसको फॉल्स लिखेंगे. फिर टीना इज नेहा सिस्टर. टीना की सिस्टर का नाम नेहा है क्या? टीना है क्या? नहीं. टीना की तो कोई सिस्टर ही नहीं है, तो उसको हम फॉल्स लिखेंगे. फिर इज बेबीज लाइंग ऑन अ बेड. क्या बेबी पलंग पे सोई थी क्या? नहीं, वो तो कॉट में सोई थी, इसलिए फॉल्स. तो बेटा ये हम ऐसे ट्रू फॉल्स करेंगे. फिर वन वर्ड आंसर. हाउ इज़ द बेबी सिस्टर. थिंक ऑफ एंड राइट टू वर्ड्स टू डिस्क्राइब. जो लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर है ना बेटा, वो है कि आप नेहा, वो जो बेबी था उसके पास उसकी सिस्टर बैठी थी, उसके बारे में आप कोई दो वर्ड्स बोलिए, बताइए. तो वो क्या थी? शी इज़ केयरिंग एंड लविंग. तभी तो अपनी छोटी बहन के पास वो बैठ कर गाना सुनाती है, लोरी गाती है, लुलाबा. हु विल कीप क्वाइट लाइक अ माउस. कौन था? बेबी की सिस्टर, क्योंकि उसका छोटा बेबी सोया हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप माउस की तरह बैठी थी. तो आंसर में हम लिखेंगे बेबी सिस्टर. हु इज किटी. किटी कौन थी? तो किटी हाउस कैट है. किटी का नाम, किटी कौन थी? नेहा की हाउस कैट. तो आप लिखेंगे एच ओ यू एस ई हाउस, सी ए टी कैट, हाउस कैट. वेयर इज द बेबी लाइंग. बेबी कहाँ लेटी हुई थी? तो आप आंसर में लिखेंगे सी ओ टी कोट. कहाँ लिखेंगे? सी ओ टी कोट. फिर हु लुक्स द गार्डन. गार्डन को कौन देखता है? गार्डन दादाजी देखते थे, तो हम लिखेंगे ग्रैंड फादर. हु राइट स्टोरी. स्टोरी कौन लिखता है? दादी जी. तो आप आंसर में लिखेंगे ग्रैंड मदर, एम ओ टी एच आर ई मदर. ठीक है. फिर हु इज रूही. रूही कौन है? तो नेहा की मम्मी का नाम क्या था? रूही. नेहा की मदर का नाम क्या था? रूही. फिर हु इज आरव. आरव कौन है? नेहास ब्रदर. आरव किसका नाम था? नेहा के भाई का. फिर हु इज विनोद. विनोद कौन है? नेहा के फादर. तो बेटा आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ट्रू फॉल्स करना है और टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है. तो बेटा ये आपके इस तरह से टेस्ट आएगा. आप लोग उसको प्रिपेयर कीजिए और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए.